जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सोमवार को तिनकोनिया नंबर 3 के राजस्व ग्राम वनटागिया में चौपाल लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत होकर उसके निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्कूल के छात्रों से बात की तथा शिक्षा की गुणवत्ता का जायजा लिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के भ्रमण के पहले सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के गाँव में चौपाल लगाया गया है तथा स्थानीय लोगों की बातों को सुनते हुए जहां कमियां हैं उसे दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राथमिक स्कूल की स्थिति बेहतर है, छात्रों को मिड डे मील के तहत भोजन भी दिया जा रहा है। चौपाल में एसडीएम सदर कुलदीप मीना, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह, जिला विकास अधिकारी प्रेम चंद्र यादव, तहसीलदार सदर लाल जी विश्वकर्मा, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता सहित संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री के वहां पे दिवाली के दिन भ्रमण के पहले सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण वहां, पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण वहां जाके सभी समस्याओं को सुनकर, जो भी अवस्थापनाओं में कमी है, लाभार्थी परक योजनाओं में अभी गैप्स हैं, उसको सुनने के लिए गए थे और लोगों से वार्ता भी, अच्छी चर्चाएँ हुई वहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी, चर्चा हुई है और जो भी अभी समस्याएं उभर के आई हैं, मांग उभर के आई हैं, उनको सूचीबद्ध किया जा रहा है और उसको गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाएगा। और वहाँ पे बहुत सारी अवस्था आपने अभी शासन के द्वारा घोषित की गई हैं, उसको पूर्ण की गई हैं, नए स्कूल बनाए गए हैं, आवास निर्मित हुए हैं, सड़कें बनी हैं और जो अभी और मांग आई हैं उनको समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सर, स्कूलों में गए तो कुछ बच्चों से बात की है? हाँ, स्कूल वहाँ पे नए स्कूल बना दिया गया है, वहाँ टीचर्स द्वारा बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की जा रही है, बच्चे बहुत उत्साह से पढ़ रहे हैं और अच्छे दक्षताओं का को प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ मिड डे मील भी बनते हुए हमने देखा है आज, और सारी अवस्था अपने सामग्री जो शासन की आई है वो भी बहुत उत्कृष्ट कोटि की है और उसमें अच्छी तरह बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जो हर्ष का विषय है और इसमें और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।